मध्य प्रदेश के इंदौर में रामनवमी पर बड़ा हादसा हो गया है। बेलेश्वर मंदिर में बनी 40 फीट गहरी बावड़ी की छत पर लोग हवन कर रहे थे। इस दौरान बावड़ी की छत धस गई, उसमें दर्जनों लोग समा गए। घटना में अब तक एक दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और सीएम शिवराज से बातचीत कर हादसे की जानकारी ली है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जिन्हें हम बचा नहीं पाए, उन सब परिवारों के साथ सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। हम जो हमारे भाई बहन नहीं रहे, उनके परिवारों को 5 लाख रुपए की राशि, राहत की राशि देंगे। जो घायल हैं उनको 50-50 हजार रुपया हम अलग से दे रहे हैं। संपूर्ण इलाज की व्यवस्था निःशुल्क अलग से की जाएगी। और भी अगर उपाय करने की आवश्यकता होगी तो हम करेंगे। दुख की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं। फिलहाल इंदौर पुलिस और SDRF का रेस्क्यू जारी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने घटना स्थल पर जाने की बात कही है। इस हादसे के बीच कई नेता, कैलाश विजयवर्गीय, विधायक जीतू पटवारी, आकाश विजयवर्गीय, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और कई नेताओं ने घटना स्थल पर पहुंचकर हादसे की जानकारी ली है। वहां पर राहत के हमारे सभी रेस्क्यू टीम में मौजूद हैं, कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर सभी मौजूद हैं हमारे वहां पर। 11 में से जो निकले थे उनमें 10 महिलाएं थी, एक पुरुष था। घटना की जांच के आदेश मुख्यमंत्री जी ने दे दिए हैं। जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। आप भी प्रभारी मंत्री हैं सर। मेरा प्रोग्राम जारी हो गया, मैं भी जाऊंगा। प्रशासन बड़ा मुस्तैदी से लगा हुआ है और लगभग 12 लोग निकाल लिए गए, 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, वो भी निकाल लिए जाएंगे। पर नीचे पानी और दलदल है, उसमें अगर कोई दबा हो तो कहना बहुत मुश्किल होगा। पानी और दलदल हटाने के बाद ही पता लगता है। बहरहाल घायलों का MY अस्पताल में इलाज जारी है। इस हादसे को लेकर CM शिवराज ने जांच के आदेश दिए हैं। ETV भारत, मध्य प्रदेश।